YouTube पर बहुत सारी वीडियोस हैं हाइट बढ़ाने के लिए कि आप 10 दिन में हाइट बढ़ाइए, 1 मंथ में हाइट बढ़ाइए। इन सब ने हाइट को हलवा समझ लिया। अब मैं अगर आपको रियलिटी बताऊं तो योगा से हाइट बढ़ती है, लेकिन धीरे धीरे, एकदम से नहीं। आज मैं आपको प्रॉपर योगा बताऊंगी हाइट इंक्रीज के लिए, जिसमें मैं हर चीज़ कवर करूंगी कि आपको सांस कहाँ लेना है, कहाँ छोड़ना है, आप योगा करते हुए क्या क्या गलती करते हैं, जिससे आपको योगा के सिर्फ एडवांटेज मिले, डिसएडवांटेज नहीं। चलिए शुरू करते हैं आज का योग। चलिए सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन में सबसे ज्यादा जरूरी है बैलेंसिंग। जब आप शुरू करोगे ताड़ासन तो धीरे धीरे आपकी बॉडी में वो बैलेंसिंग आती रहेगी। सबसे पहले हम दोनों पैरों को मिला देंगे, फिर दोनों हाथों को सामने ले जाकर लॉक कर देंगे। देन अपने हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, फिर धीरे से बैलेंस बनाते हुए अपनी हील्स को ऊपर उठाएंगे, फिर वापस आएंगे। हम यहाँ पर सांस कहाँ लेना है और सांस कहाँ पर छोड़ना है वो देखेंगे। तो जब हम अपने हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे तो फिर हम सांस लेंगे, इनहेल, और नीचे आते वक्त हम सांस को छोड़ देंगे। ये आसन हम करेंगे 1 मिनट तक। आप जितनी देर ऊपर रुक सकते हैं और जितनी देर आप अपनी सांस को नॉर्मल रख सकते हैं। ऊपर जाकर हमें सांस को नहीं रोकना है, सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना है। बस ध्यान रखना है कि जब हम नीचे आएंगे तो सांस छोड़ते हुए आएंगे। अगर आपको बैलेंस बनाने में दिक्कत हो रही है तो सामने एक पॉइंट को फोकस कर लेंगे और उस पॉइंट को ध्यान से देखते रहेंगे, आपका बैलेंस आसानी से बन जाएगा। अगर थकान महसूस हो रही है तो थोड़ी देर आप रेस्ट कर सकते हैं और फिर से उसके बाद ताड़ासन दोबारा करेंगे। अब हम 30 सेकंड तक होल्ड करने की कोशिश करें। अब धीरे से वापस आएंगे सांस छोड़ते हुए, अपने हाथों को भी रेस्ट में ले आएंगे, गैप करेंगे पैरों में। और सबसे पहली चीज है रेस्ट। अब हम करेंगे थोड़ी देर रेस्ट। सिर्फ रेस्ट में क्या करना है, हम लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी गहरी सांस को छोड़ देंगे। इसके बाद अब आप करने वाले हैं तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन में भी सेम हम ताड़ासन की तरह ही अपने हाथों को लॉक करके ऊपर लेकर जाएंगे, लेकिन बस अंतर ये रहेगा कि आपके पैरों में अब गैप रहेगा। दोनों हाथों को लॉक करके ऊपर ले जाएंगे सेम ताड़ासन जैसे। अब हम तिर्यक ताड़ासन में साइड में जाएंगे, सांस लेंगे सबसे पहले, सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे। आपके नीज स्ट्रेट रहने चाहिए, एल्बोज भी स्ट्रेट रहनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर वापस आएंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए फिर राइट साइड,
सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए साइड स्ट्रेच। ये हम करेंगे 20 टाइम्स। तो अब स्टार्ट करते हैं। 1, 2, सांस लेते हुए वापस, 3, सांस छोड़ते हुए साइड बेंड, 4, फाइव, ध्यान रखना है आपकी एल्बोज बिल्कुल स्ट्रेट रहें, 6, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, थर्टीन, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इन लास्ट 20। अब वापस आ जाएंगे अपनी नॉर्मल पोजीशन। फिर से बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट देंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल लेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल। बॉडी को रेस्ट देना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब हम एक और आसन करने वाले हैं जो हमारा बैलेंसिंग में ही आएगा, वो है ट्री पोज। ट्री पोज में सबसे ज्यादा बैलेंसिंग की जरूरत होती है, लेकिन अगर आपका फोकस अच्छा है तो आपकी बैलेंसिंग खुद अच्छी हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले एक हाथ कमर पे रखेंगे और अपना एक पैर अपनी थाई पर। अब पहले यहीं पे बैलेंस बनाओ, उसके बाद अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ मिला देंगे और स्ट्रेच करेंगे। ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, इनहेल और एक्सहेल करते रहेंगे। फोकस बिल्कुल सामने, और इस आसन में आप जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं उतनी देर होल्ड करेंगे। धीरे से वापस आएंगे। अब हम अपना लेग चेंज करेंगे, फिर से अपनी कमर पे हाथ, अपने पैर को थाई पे लगाएंगे, यहाँ बैलेंस बनाएंगे, फिर धीरे से दोनों हाथ ऊपर। ब्रीदिंग नॉर्मल और होल्ड करेंगे।
सामने सिर्फ एक पॉइंट को फोकस करना है। धीरे से वापस, एंड यही चीज हम फिर से रिपीट करेंगे। डाउन, लेग चेंज। आपको सिर्फ अपने फोकस पे वर्क करना है और ट्री पोज आपको बहुत इजी लगने लग जाएगा। धीरे से वापस, फिर से बॉडी को रेस्ट देंगे। इनहेल एंड एक्सहेल। अब आप करेंगे हस्त उत्तानासन। उसमें दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप रखो, फिर दोनों हाथ बिल्कुल सीधाई में ऊपर। अब सांस लेते हुए बिल्कुल पीछे जाएंगे, जितना आप कंफर्टेबल हो उतना ही जाएंगे, और अपनी आंखों को खुला रखना है। सांस लेते हुए पीछे जाओ, छोड़ते हुए सीधे। ये हम करेंगे 10 टाइम्स। 1, सांस लेते हुए पीछे। 2, छोड़ते हुए सामने। 2, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। सांस लेते हुए जाना है, ध्यान रखना है। 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब थोड़ी देर फिर से रेस्ट। सांस लेना है, छोड़ना है। अब आप करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन
त्रिकोण आसन के लिए सबसे पहले पैरों में गैप करो। अब हम अपने राइट लेग को राइट साइड मूव करेंगे। दोनों हाथ बिल्कुल शोल्डर की सिधाई में, पाम्स अपनी सामने की तरफ। अब हम इसमें गलती क्या करते हैं, जब भी हम साइड में जाते हैं तो हम आगे झुक के जाते हैं, बल्कि हमें आगे झुकना नहीं है, हमें बिल्कुल सीधे रहना है और बिल्कुल ऐसे सिधाई में ही जाना है नीचे। आप चाहे यहाँ तक जाएं या नीचे तक जाएं, ठीक है। तो अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। इसमें सांस लेना है, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है, फिर सांस लेते हुए वापस, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइड में जाने के बाद 10 सेकेंड होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस इनहेल। नीचे जाने के बाद आप ब्रीदिंग को होल्ड नहीं करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग ही रखेंगे। लेग चेंज, फिर से दोनों हाथ सिधाई पे, पाम्स आपके सामने की तरफ, एंड एक्सहेल करते हुए आप नीचे जाएंगे जितना जा सकते हैं, बैक स्ट्रेट, 10 सेकेंड होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इनहेल वापस, फिर से चेंज करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। धीरे से वापस इनहेल करते हुए लेग चेंज, साइड बेंड, 10 सेकेंड होल्ड, 10 सेकेंड होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इनहेल वापस, रिलैक्स करेंगे, थोड़ी सी जॉगिंग करेंगे जिससे आपके पैर की मसल्स को रेस्ट मिले। अब नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एंड एक्सहेल। अब आप करेंगे पादहस्त आसन। पादहस्त आसन में हम अपने पैरों को टच करते हैं, तो सबसे पहले पैरों को मिलाएंगे। दोनों हाथ ऊपर लेकर जाना है सांस लेते हुए, सांस लेना है फिर सांस छोड़ते हुए। आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जब आप सांस छोड़ के नीचे आते हैं तो आप ऐसे आते हैं, बल्कि ऐसे नहीं आना है, बिल्कुल सीधे ऊपर जाना है, सांस लेना है और छोड़ते हुए बिल्कुल आपकी कमर को स्ट्रेट रखते हुए आप नीचे जाएंगे और बिल्कुल सामने अपने हाथ रख देंगे, गर्दन सामने, कमर सीधी। फिर वापस आएंगे सांस लेते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। ध्यान रखना है कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहे, गर्दन सामने रहे। फिर सांस लेंगे ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। फिर से सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, 1, 2,
5। इसी तरह से हम 5 बार इसको रिपीट करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल डाउन, होल्ड 5 सेकेंड, 1, 2, 3, 4, 5। इनहेल, एक्सहेल डाउन, 1, 2, 3, 4, 5। लास्ट टाइम फिर से इनहेल एंड एक्सहेल डाउन, 5 सेकेंड होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5। फिर से इनहेल एंड रिलैक्स। फिर से डीप ब्रीथ, इनहेल एंड एक्सहेल। कहीं भी बॉडी में स्ट्रेच आ रहा है तो आप थोड़ी सी जॉगिंग करके या पूरी बॉडी को शेक कर सकते हैं, ऐसे हल्के हल्के से अपने हाथों को लूज छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। अब आप करेंगे वीरभद्रासन। वीरभद्रासन में भी हमें अपने पैरों में गैप करना है, उतना गैप करेंगे जिसमें आप कंफर्टेबली खड़े हो सके। गैप करके अपनी बॉडी को बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सामने रखना है। दोनों हाथों को ऊपर मिलाएंगे और अपने आगे वाली नी को बेंड करेंगे और अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। 10 सेकेंड होल्ड इसमें ही रहेंगे। तो इसी तरह से हम इस आसन को करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पैरों में गैप कर लीजिए और अपने दोनों हाथों को ऊपर मिला दीजिए। नी बेंड कर दो और अपनी बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करेंगे। 10 सेकेंड होल्ड, ब्रीदिंग नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, कहीं होल्ड नहीं करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस लेग चेंज, सिर्फ अपने पैरों की डायरेक्शन चेंज कर देनी है, ठीक है। फिर से सेम अपने दोनों हाथ को ऊपर मिला देंगे, आगे वाले पैर का नी बेंड करेंगे। 10 सेकेंड होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक एक बार फिर से लेग चेंज, दोनों हाथ ऊपर की तरफ मिलाएंगे, नी बेंड करके 10 सेकेंड होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चेंज, हाथों को ऊपर मिला दो, नी बेंड, होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। पैरों में ज्यादा स्ट्रेच है तो जॉगिंग करेंगे। बहुत हल्की जॉगिंग करनी है, सिर्फ अपने पैरों को रिलैक्स देने के लिए।
अब हम सब बैठ जाएंगे। अब करेंगे पूर्वोत्तानासन। पूर्वोत्तानासन के लिए सबसे पहले पैरों को सामने खोल दो, सीधे दोनों हाथों को थोड़ा सा अपनी कमर से गैप करके पीछे रखेंगे। अब हम सांस लेते हुए अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएंगे और अपने पैरों को आगे स्ट्रेच कर देंगे। फिर सांस छोड़ते हुए वापस। इस आसन में भी 5 times करेंगे और 5 seconds तक होल्ड भी करेंगे। चलिए, सांस लेते ऊपर, होल्ड 1, 2, 3, 4, 5 डाउन। कोशिश करनी है कि आपकी बॉडी बिल्कुल सीधी रहे। फिर से करना है, 1, 2, 3, 4, 5 डाउन। फिर से 1, 2, 3, 4, 5 डाउन। अब लास्ट 5th time करेंगे, इनहेल होल्ड 1, 2, 3, 4, 5 डाउन। अब अगर आपको अपने हाथों में दर्द महसूस हो रहा है तो पहले पैरों को फोल्ड करो, दोनों हाथों को सामने, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, अपने रिस्ट को घुमाना है 10 times क्लॉकवाइज, फिर 10 times एंटी क्लॉक। रिलैक्स। अब आप करेंगे धनुरासन। धनुरासन के लिए हमें पेट के बल मैट पे लेटना होगा। अगर आपके पेट में कोई भी प्रॉब्लम है या दर्द रहता है, हर्निया है, तो आप इस आसन को नहीं करेंगे। सबसे पहले हम उल्टे लेट जाएंगे। पैरों में थोड़ा सा गैप करना है, अपने पैरों को अपनी साइड लेकर आना है, मोड़ना है, अपने पैरों को पकड़ लो। अब हम सांस लेते हुए अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। सांस लेंगे और ऊपर जाएंगे। ये हम करेंगे 10 times। 1, सांस छोड़ते हुए नीचे, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 last 10।
रिलैक्स। अब हम करेंगे पर्वतासन। पर्वतासन के लिए सबसे पहले अपने दोनों हाथ अपनी चेस्ट के साइड में रखना है, दोनों पैर अपनी मैट पे अच्छे से रखेंगे। फिर हम उठ के अपने दोनों पैरों को अच्छे से जमा देंगे मैट पर। पर्वतासन हम करेंगे 5 टाइम्स एंड 5 सेकेंड होल्ड के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, पैरों में थोड़ा सा गैप जितना आपके हाथों में गैप है। 1, 2, 3, 4, 5 रेस्ट। फिर से 1, 2, 3, 4, 5 रेस्ट। फिर से 1, 2, 3, 4, 5 रेस्ट। फिर से 1, 2, 3 ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे, 4, 5 रेस्ट। अब लास्ट टाइम वापस जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 वापस रेस्ट। अब हम रेस्ट के लिए थोड़ी देर अपनी मैट पर सीधे लेट जाएंगे। अपने पैरों में थोड़ा सा गैप रखेंगे, अपने पैरों में थोड़ा सा गैप रखना है और अपनी पाम्स को ऊपर की तरफ रखना है और लंबी गहरी सांस लेनी है, छोड़नी है। अपनी बॉडी को फुल रेस्ट देना है। अब धीरे से करवट लेकर बैठ जाए।